हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शिवानी मिश्रा। स्वागत है आप सभी का डिज़ाइनपुर में। आज बैक ब्लाउज डिज़ाइन बताएंगे। ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच है, शोल्डर की चौड़ाई 6 इंच है, आर्म होल की लंबाई 6 इंच है। ब्लाउज का साइज अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। 3 इंच की चौड़ाई देते हुए गले की मार्किंग कर सकते हैं। नीचे आप चाहे तो 2.5 इंच भी गला रख सकते हैं। नीचे के साइड भी 3 इंच की चौड़ाई पे मार्क कर देंगे। दोनों मार्किंग को बिल्कुल बराबर करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब गले की लंबाई लेंगे तो मैं देखिए गला 11 इंच रख रही हूँ, तो 11 इंच पे मार्क करके बिल्कुल बराबर में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और गले की डिज़ाइन के लिए पहले इस पर एक और मार्किंग करेंगे। डार्क करने के बाद थोड़ा प्रेस करेंगे तो दूसरे साइड से मार्किंग आ चुकी है, डार्क कर देंगे। ये दोनों साइड से मार्किंग हो चुकी है। अब इस साइड से हमें देखिए मार्क डिज़ाइन करना है, तो डिज़ाइन का मार्क करें, ऐसे कर दीजिएगा। अब इसको बराबर में फैला लेते हैं और दोनों साइड से कट करेंगे। एक साइड से डिज़ाइन में कट करेंगे और दूसरे साइड से स्क्वायर में कट करेंगे। तो ये देख लीजिए मैंने गले को कैसे कट किया, ऐसे कट कर दीजिएगा। ब्लाउज़ कपड़ा लेंगे इसके साथ में, पहले इसको डबल फोल्ड करके रख देते हैं। ब्लाउज़ कपड़ा ले लेते हैं, दोनों को बराबर में फैला लेते हैं और एक सिलाई लगाते हुए गले की पूरी अच्छे तरीके से स्टिचिंग करेंगे। तो आप देख रहे हैं मैं गले की स्टिचिंग कैसे कर रही हूँ। इस तरीके से बराबर करते गले को पूरा स्टिच कर दीजिएगा। तो मैंने गले की स्टिचिंग कम्प्लीटली कर दिया है। अब गले में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके निकाल देंगे। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक गले का कट करके निकाल दिए, गले पे छोटे छोटे कट लगाएंगे। इससे जब गले को पलट कर सीधा करेंगे तो डिज़ाइन सेम आएगी। तो मैंने पूरे गले पे कट लगा दिया। अब गले को पलट कर सीधा कर लेते हैं। तो अच्छे तरीके से पूरा गले को पलट कर सीधा कर दीजिएगा। अब एक सिलाई लगाते हुए गले की फिनिशिंग की स्टिचिंग करेंगे। तो आप देख लीजिए मैं कैसे फिनिशिंग की स्टिचिंग कर रही हूँ, ऐसे कर दीजिएगा। तो मैंने देखिए गले की फिनिशिंग की स्टिचिंग कम्प्लीटली कर दिया है। अब ब्लाउज की ऑलराउंड स्टिचिंग करेंगे। अस्तर कपड़े को बराबर करते एक सिलाई लगा के पूरे ब्लाउज की स्टिचिंग कर लेते हैं। तो मैंने देखिए ब्लाउज की ऑलराउंड स्टिचिंग कम्प्लीटली कर दिया है। नीचे के साइड से ब्लाउज में ट्रक्स की स्टिचिंग करेंगे। तो अच्छे से माप लेते हुए दोनों साइड से बराबर में ट्रक्स की स्टिचिंग कर दीजिएगा। तो देखिए मैंने दोनों साइड से ट्रक्स को स्टिच कर दिया है। नीचे के साइड से फैब्रिक ज्वाइंट करेंगे। अब इस फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे और ब्लाउज के साथ में ज्वाइंट करते एक सिलाई लगा के इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो मैंने नीचे के साइड से सिलाई लगाते हुए पूरी स्टिचिंग कर दिया है। ब्लाउज मेरा स्टिच हो चुका है। ब्लाउज को साइड करेंगे, गले पे डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने एक पट्टी ले ली है। इस पट्टी की हम डोरी बनाएंगे। तो डबल फोल्ड करके डोरी इसकी पतली सी स्टिच कर लेते हैं। तो मैंने ये डोरी कम्प्लीटली स्टिच कर दिया। अब डोरी को निडल की सहायता से पलट कर सीधा करेंगे। तो आप देख लीजिए मैं डोरी को कैसे पलट कर सीधा करूँ। इस तरीके से पलट कर सीधा कर दीजिएगा। तो मैंने देखिए डोरी को पलट कर सीधा कर दिया है। अब डिज़ाइन बनाने के लिए डोरी को कट करना है। तो हम 4.5 इंच की लंबाई पर डोरी को कट करेंगे। तो 4 इंच की लंबाई पे डोरी को बराबर में फोल्ड कर दीजिएगा। जितने भी पार्ट्स आपको यूज़ करने हो डिज़ाइन में, तो उतने पार्ट्स में फोल्ड करके कट करके अलग अलग कर लेते हैं। अब इसको कट करके देखिए मैं अलग अलग कर रही हूँ, ऐसे कर दीजिएगा। अब डोरी को साइड करेंगे और मैंने ये दो फैब्रिक ले लिए कट करके। इन फैब्रिक से डोरी पे डिज़ाइन, डोरी और इन फैब्रिक से डिज़ाइन करेंगे। तो डोरी का पहले हम इस तरीके से फोल्ड करके लूप्स बनाएंगे और देखिए कपड़े के बिल्कुल मिड से रखते हुए डोरी को स्टिच करें, ऐसे स्टिच कर दीजिएगा। अब इसके ऊपर एक कपड़ा और रखेंगे बराबर में और सिलाई लगाते हैं। इसकी पूरी अच्छे तरीके से स्टिचिंग कर देते हैं ऊपर के साइड से। तो देखिए मैंने इसकी स्टिचिंग कर दिया, ऐसे दूसरा भी डिज़ाइन बनाएंगे। तो पहले देखिए डोरी का लूप्स बनाएंगे, फिर इसको अच्छे तरीके से स्टिच कर देंगे फैब्रिक के साथ में। अब इसके ऊपर एक फैब्रिक और रख लेते हैं बराबर में।
और दोनों को देखें मिलाते हुए स्टिचिंग कर रहे हैं तो आपको समझ में आया होगा डिज़ाइन कैसे बनाया। अब इसको इस तरीके से पलट लेंगे बराबर करते हुए और अच्छे से डिज़ाइन को देखिए नीचे के साइड से फोल्ड करेंगे इस तरीके से और नीचे के साइड से सिलाई लगा के स्टिचिंग कर देते हैं। तो देख लीजिए डिज़ाइन में कैसे बना रही हूँ, आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से डिज़ाइन को बना दीजिएगा। अब इस दोनों डिज़ाइन को अच्छे से स्टिचिंग करने के बाद साइड करेंगे। अब जो मैंने देखिए इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था कट करके निकाल दिया। अब गोल्डन कलर का जो ये फैब्रिक लिए इसका देखिए फोर पार्ट्स में कॉर्नर से फोल्ड करके डिज़ाइन बनाएंगे। इसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखी है, तो 2.5 इंच की लंबाई चौड़ाई में इसको कट कर दीजिएगा और इस तरीके से फोल्ड करते स्टिचिंग कर दीजिएगा। तो आप देख रहे हैं मैं कैसे इसको बना रही हूँ, ऐसे बना देंगे। अब इनको भी साइड करेंगे और दोनों को मिलाते हुए स्टिचिंग करेंगे। तो आप देखिए मैं कैसे इस डिज़ाइन को बना रही हूँ। इस तरीके से दोनों दो डिज़ाइन को एक साथ में रखिएगा और इसको नीचे से सिलाई लगा के स्टिचिंग कर देंगे। तो आपको मेरी ये डिज़ाइन समझ में आई होगी मैं कैसे बनाई, ऐसे बना दीजिएगा जितने भी डिज़ाइन ब्लाउज़ में यूज़ करने हो। तो मैंने ये देखिए पूरा डिज़ाइन बना दिया। डिज़ाइन के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक नीचे के साइड था उसको पूरा कटिंग करके निकाल देते हैं। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने पूरा कट करके निकाल दिया। ये पट्टी मैंने ली है। अब इस पट्टी के साथ में हम डिज़ाइन को देखिए स्टिच करेंगे। तो आप वीडियो में देख लीजिए कैसे पट्टी के साथ में स्टिचिंग करें, ऐसे बराबर करते हुए पूरा स्टिच कर दीजिएगा। तो ये देखिए मैंने पूरा डिज़ाइन अच्छे से बराबर करते हुए स्टिच कर दिया। इसको मैंने कट करके अलग अलग कर दिया है पट्टी के साथ में। अब पट्टी को देखिए आगे के साइड से इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और इसको नीचे के साइड से देखिए स्टिच कर देंगे। इस तरीके से आप पूरे डिज़ाइन को बना दीजिएगा तो आपकी जो भी कन्फ्यूज़न आप क्लियर कर लीजिए। बढ़िया से मेरी वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी। ये देख लीजिए मैंने पूरा डिज़ाइन अच्छे से बना दिया है। डिज़ाइन को साइड करेंगे और इसका मैं एक देखिए बनाएंगे डिज़ाइन, सॉरी इसको देखिए मैं डिज़ाइन को कैसे बना रही हूँ, आप वीडियो में देख लीजिए आपको ये समझ में आ जाएगा। तो जो लूप्स बनाए हुए हैं लूप्स से देखिए डिज़ाइन को एक दूसरे से ज्वाइंट करें, ऐसे आप भी लूप्स की सहायता से एक दूसरे डिज़ाइन को ज्वाइंट कर दीजिएगा। तो मैंने पूरे डिज़ाइन को अच्छे से एक दूसरे से ज्वाइंट कर दिया। इसको साइड करेंगे और ब्लाउज के साथ में स्टिच करने के लिए देखिए मैंने ब्लाउज़ ले लिया। बराबर डिज़ाइन को इस पर रख देते हैं। तो डिज़ाइन को बराबर में रखने के बाद एक सिलाई लगाते हैं, इसकी स्टिचिंग करेंगे ब्लाउज के साथ में। तो आप देख लीजिए मैं कैसे ब्लाउज के साथ में स्टिच कर रही हूँ डिज़ाइन को, ऐसे बराबर करते हुए डिज़ाइन को ब्लाउज के साथ में स्टिच कर दीजिएगा। तो मैंने देखिए डिज़ाइन को ब्लाउज के साथ में पूरा स्टिचिंग कर दिया है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके पूरा साइड से निकाल देते हैं। दोनों साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक पूरा कट करके निकाल दीजिएगा। तो मैंने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक पूरा कट करके निकाल दिया है। अब इस पर लेस लगाएंगे तो लेस ले लेते हैं और बराबर में पहले हम गले के साइड से लेस लगा लेते हैं। तो आप देखिए मैं गले के साइड से कैसे लेस लगा रही हूँ, ऐसे बराबर में लेस लगा दीजिएगा। तो ये गले पे लेस लग चुकी है। अब इसमें से हमने इसको अलग कर देंगे कट करके। अब दूसरे साइड से लेस लगानी है तो पहले देखिए हम गले के साइड से लेस लगाना स्टार्ट करेंगे, जिस साइड से हमने गले को कटिंग करके डिज़ाइन किया है और जहाँ से कॉर्नर हो वहाँ से अच्छे से वी शेप में फोल्ड करते हुए लेस को स्टिच कीजिएगा। अब देख लीजिए मैंने कैसे इस साइड से लेस लगाया, ऐसे लगा दीजिएगा। तो पूरा लेस अच्छे से मैंने लगा दिया है। अब नीचे के साइड से इसको डेकोरेट करेंगे ब्लाउज़ को। तो यहाँ से कोई सो बटन लगा दीजिएगा। तो मैंने ये सो बटन लगा दिया। मेरा ब्लाउज़ देखिए बिल्कुल कंप्लीट है, बहुत ही सिंपल सी और ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा मेरे ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। चलिए फ्रेंड मिलते हैं नए वीडियो में नए डिज़ाइन से, जैसे ही ब्यूटीफुल और सिंपल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।